एवरी वन वेलकम टू आर यूट्यूबलोर्सियस डॉक्टर एक सौ इक्यावन टू एक हजार एक सौ 1160 जैसे ही समृद्ध देश का मुख्य कमांडर प्रसन्नता से प्रसन्न था कमांडर के तंबू के बाहर से एक सैनिक तेजी से दौड़ता हुआ अंदर आया प्रतिवेदन मुख्य सेनापति ने भौहें चढ़ा ली क्या रिपोर्टिंग चीफ शिविर से 4 मील दूर एक बड़ी सेना अचानक प्रकट हो गई है बड़ी सेना मुख्य कमांडर ने एक पल के लिए सोचा और फिर व्यंग्यात्मक ढंग से कहा क्या यह हो सकता है कि कोंडोर देश सफल हो गया हो इसमें उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा क्या आप देख पाए कि वह किस देश की सेना है मुख्य सेनापति ने चेहरे पर कोई घबराहट न दिखाते हुए कहा क्यूई साम्राज्य एक हो चुकी ताकत बनकर रह गया था और क्यूई साम्राज्य की पूरी भूमि पर उनके चार देशों की सहयोगी सेनाओं के अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण आकार की सेनाएं नहीं थी और उसके पास अपने सहयोगियों से डरने का कोई कारण नहीं था मैंने नहीं वे अभी भी कुछ दूरी पर है और आपके अधीनस्थ इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उन्हें स्पष्ट रूप से देखा है या नहीं तुम्हें बर्खास्त कर दिया गया है मुख्य कमांडर ने सैनिक की ओर तिरस्कार पूर्वक अपना हाथ लहराया लेकिन इससे पहले कि मुख्य सेनापति की आवाज कम हो एक और सैनिक उत्सुकता से दौड़ता हुआ अंदर आया प्रतिवेदन इस बार क्या है मुख्य सेनापति ने अधीरता से कहा आपके अधीनस्थ ने सेना की पहचान को सत्यापित कर लिया है सैनिक के चेहरे पर भाव कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे ओ कौन सा देश मुख्य कमांडर ने सिपाही की ओर देखे बिना ही सुस्ती से पूछा लेकिन बस एक महिला कैदी को खींच लिया और उसे अपने पास खींच लिया यह है यह है अग्नि देश क्या एक पल में मुख्य कमांडर का चेहरा सदमे में बदल गया क्योंकि उसने महिला को अपने ऊपर से जमीन पर फेंक दिया और अचानक अपने पैरों पर कूद पड़ा क्या कहा आपने फाई फायर कंट्री क्या आप निश्चित हैं कि आपने इसे सही ढंग से देखा है सेना अग्नि देश से है प्रधान सेनापति के दांत किटकिटाने लगे विभिन्न देशों में से समृद्ध देश को केवल एक मध्यम आकार का देश माना जा सकता है और किसी भी तरह से इसकी तुलना कोंडोर देश जैसे बड़े देशों से नहीं की जा सकती यदि उन्हें सबसे शक्तिशाली अग्नि देश के सामने रखा जाए तो वे वास्तव में अपने जूते ले जाने के लायक भी नहीं होंगे आपका अधीनस्थ निश्चित है सिपाही ने पूरी निश्चितता के साथ उत्तर दिया मुख्य सेनापति तुरंत बहुत घबरा गया फायर कंट्री की सेना अचानक यहाँ क्यों प्रकट होगी फायर कंट्री की साम्राज्य के इतना करीब नहीं है अचानक फायर फायर कंट्री की साम्राज्य की भूमि में क्यों भागी आई थी मुख्य कमांडर ने कमांडर के तंबू के भीतर घबराते हुए कदम बढ़ाते हुए बुदबुदाया तंबू में मौजूद अधिकारी भी घर आ गया और उसने इसके बारे में सोचने के बाद कहा क्या यह संभव हो सकता है कि कोंडोर देश ने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया हो आखिरकार कोंडोर देश ने हमारे और दो अन्य देशों के साथ गठबंधन किया है क्या वे कर सकते हैं तुम्हें मजाक करना पड़ेगा कोंडोर देश क्या है आपको लगता है कि वे अपनी सेना को संगठित करने के लिए फायर कंट्री भी प्राप्त करने में सक्षम होंगे मुख्य सेनापति ने तुरंत उस अनुमान को खारिज कर दिया हालांकि फायर कंट्री कोंडोर कंट्री के बीच बहुत अधिक संघर्ष नहीं है लेकिन वे निश्चित रूप से मैत्रीपूर्ण शर्तों पर नहीं है यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि कोंडोर देश ने हमेशा प्रभुत्व जमाने की कोशिश की है लेकिन कोंडोर देश की ताकत फायर कंट्री साथ मुकाबला करने में पूरी तरह से असमर्थ है और यही कारण है कि कोंडोर देश ने हमेशा खुद को पीछे रखा है जब तक फायर कंट्री सम्राट पागल न हो या अन्यथा, यह असंभव है कि वे कोंडोर देश से ऐसे किसी भी निमंत्रण को स्वीकार करेंगे तो फिर यहाँ क्या हो रहा है अधिकारी ने कंधे उचका कर पूछा मुख्य कमांडर अत्यधिक असहज महसूस कर रहा था और उसने सैनिक से कुछ पूछने से पहले कुछ देर तक इस पर विचार किया क्या आप मोटे तौर पर देख पाए कि फायर कंट्री पास कितने आदमी थे एयर सैनिक को अचानक मौके पर खड़ा कर दिया गया और उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और कहा फायर कंट्री सेना सटीक रूप से मापने के लिए बहुत बड़ी थी लेकिन जब आपके अधीनस्थ ने उन पर नजर डाली तो कम से कम कम से कम दस लाख से अधिक में क्या मुख्य कमांडर सदमे में आ गया और वह अपनी कुर्सी पर वापस गिर गया उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया दस लाख से अधिक रुई लिंस सेना की तरह उन्मत्त नहीं थे जहां वे दस के मुकाबले एक जा सकते थे लेकिन उनके सैनिक कम से कम फिर भी तीन के मुकाबले एक को आसानी से हासिल करने में सक्षम थे क्रॉस पर कंट्री के मुख्य कमांडर ने यह सोचकर अपना सिर लगभग चकनाचूर कर लिया था लेकिन वह कोई ठोस कारण नहीं बता सका कि क्यों क्यू साम्राज्य की सीमाओं के भीतर फायर कंट्री सेना अचानक इतनी बड़ी संख्या में क्यों आ जाएगी प्रतिवेदन दूसरा सिपाही हड़बड़ाहट में तंबू में घुस गया मुख्य कमांडर का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और उसने पूछा क्या इस बार क्या है फायर कंट्री की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और सीधे हमारे शिविर की ओर आ रही है एक दुर्घटना की आवाज़ आई चीफ कमांडर अचानक सीट से अपना संतुलन खो बैठे और अपनी कुर्सी से सीधे जमीन पर गिर पड़े उसका चेहरा भयावह रूप से पीला पड़ गया था क्योंकि उसके माथे से लगातार ठंडा पसीना बह रहा था अग्नि देश क्या चाहता है वे वास्तव में क्या चाहते हैं मुख्य सेनापति पूरी तरह घबरा गया और उसने बहुत चाहा कि फायर कंट्री ही इस स्थान से गुजर रही हो लेकिन अब जब वे तेजी से सीधे अपने शिविर की ओर जा रहे थे तो यह स्पष्ट था कि वे उनके लिए आए थे प्रमुख सेनापति, घबराओ मत हमारे समृद्ध देश और अग्नि देश ने हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाए रखी है और हमारा देश कई वर्षों से धार्मिक रूप से उन्हें श्रद्धांजलि देता रहा है। हो, है हो सकता है कि वे यहां लड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए आए हों चीफ कमांडर पहले जाकर क्यों नहीं देखते कि स्थिति क्या है और अगर हमारे बीच कोई घटना या गलतफहमी है तो बेहतर होगा कि पहले उसे दूर कर लिया जाए ताकि कोई अनहोनी न हो जाए कमांडर के तंबू में मौजूद अधिकारी ने तुरंत कहा मुख्य कमांडर ने जोर से गटक लिया और अपने पैरों पर वापस खड़ा होने के लिए संघर्ष किया उसका पहले का उल्लास पूरी तरह से गायब हो गया था और उसका पूरा चेहरा ठंडे पसीने से नहा गया था जल्दी करो मुझे देखने के लिए वहां ले आओ और मुझे आशा है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है प्रधान सेनापति लड़खड़ाकर खड़ा हो गया और उसके हाथ कांपने लगे शिविर के बाहर दस लाख शेरों की भव्य वीर दिखने वाली सेना पहले से ही देखी जा सकती थी सैनिकों की घनी कतारों के ऊपर हवा में लहराते हुए फायर कंट्री पताका फहराया गया दोनों सेनाओं के बीच अभी भी दूरी थी लेकिन प्रॉस्पर कंट्री के सैन्य शिविर के भीतर खड़े सैनिकों को पहले से ही अपने पैरों के नीचे की धरती में कंपन महसूस हो रहा था प्रॉस्पर कंट्री के सैन्य शिविर के भीतर सभी सैनिक घबराए हुए देख रहे थे क्योंकि फ़ायर कंट्री सेना लगातार आगे बढ़ रही थी स्वर्ग के नीचे सबसे शक्तिशाली देश के रूप में फायर कंट्री प्रतिष्ठा उनके सिर पर काले अशुभ बादलों के बैंड की तरह लटकी हुई थी जो उन पर भारी दबाव डाल रही थी और उनका दम घोंट रही थी वे सैनिक जो युद्ध की लूट के बंटवारे पर बहस कर रहे थे पूरी तरह से शांत हो गए थे और घातक मुख शिविर में केवल हवा द्वारा लाए गए मार्चिंग कदमों की आवाज़ थी लयबद्ध धड़कन उनके सभी दिलों पर फैल रही थी क्रॉस पर कंट्री का मुख्य कमांडर शिविर के सामने खड़े होने के लिए जल्दी से दौड़ा क्योंकि उसने अपने सामने पहाड़ियों और मैदानों में फैले फायर कंट्री सैनिकों को देखा और उसका दिल सीधे उसके गले में समा गया सारा रंग उड़ गया उसके चेहरे से बाहर लड़ाई शुरू होने से पहले ही फायर कंट्री सैनिकों के गठन को देख ही वह पहले से ही पूरी तरह से घबरा गया था उसके हाथों में जो कई लाख सैनिक थे वे उसके अंदर जरा सा भी आत्मविश्वास पैदा नहीं कर पा रहे थे और फायर कंट्री बख्तरबंद घुड़सवार सेना के सामने खड़े होकर वह खुद को रोक नहीं सका लेकिन उसके घुटने कांपने लगे फायर कंट्री सेना को करीब और करीब आते देख मुख्य कमांडर का पूरा शरीर पत्ते की तरह हिल गया क्योंकि वह अपने दिल में घर कर चुके आतंक को दबाने के लिए संघर्ष कर रहा था उसने अपनी आत्मा की शक्ति अपने गले में जमा ली और अपना मुंह खोलकर बोला मुझे आश्चर्य है कि अग्नि देश से हमारे सम्मानित अतिथि किस कारण से यहाँ आए हैं हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और अगर इससे आपको कोई परेशानी हुई है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें स्पष्ट रूप से बताएं ताकि हमें कम से कम पता चले कि क्या हो रहा है आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार के साथ मुख्य कमांडर की आवाज लोगों के कानों में गूंजते हुए विशाल विस्तार में फैल गई तथापि फायर कंट्री की सेना जरा भी धीमी नहीं हुई बल्कि बिना कोई प्रतिक्रिया दिए तेजी से उनकी ओर बढ़ती रही समृद्ध देश के मुख्य कमांडर ने इंतजार किया लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला और उसके दिल में आतंक तेजी से बढ़ गया वह फिर से पूछने के लिए अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं सका और इस बार उसकी आवाज़ में कम कंपी के निशान थे फायर कंट्री दोस्तों क्या हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं हम समृद्ध देश की सेना है और समृद्ध देश ने हमेशा खुद को फायर कंट्री प्रति गहरा सम्मान दिया है और इसे स्थगित कर दिया है क्या यह संभवता हो सकता है कि यहाँ कोई गलफ हमी है मैं फायर कंट्री सेना से एक शब्द कहने का आग्रह करता हूँ समृद्ध देश अग्नि देश को कोई अनादर दिखाने के लिए कभी कुछ नहीं करेगा यदि हमारे सम्मानित मित्रों को वहां से गुज़रना होगा तो मैं तुरंत आपको रास्ता देने के लिए कैंप पर धावा बोल दूंगा फायर कंट्री सेना में सबसे आगे अदिति अपने घोड़े को हवा की तरह तेज़ चला रही थी क्रॉस्पर कंट्री के मुख्य कमांडर की शांति की गुहार उसके कानों में लगातार बज रही थी लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी गर्मी नहीं थी क्योंकि रुई लिन सेना के सैनिक का टूटा हुआ नाम टैग युद्ध के घोड़े की तेज़ गति के साथ लगातार उसकी छाती से टकरा रहा था रुई लिंस सेना की भावना से ओतप्रोत नाम टैग उसे स्पष्ट विवरण दे रहा था कि दुश्मन द्वारा छेड़ा गया यह युद्ध अभियान वास्तव में कितना भयावह था महाराज अदिति के ठीक पीछे ले चेन खुद को पुकारने से नहीं रोक सके क्योंकि उन्होंने प्रॉस्पर कंट्री के मुख्य कमांडर की लगातार और हताश दलीलें सुनी प्रॉस्पर कंट्री जैसा छोटा देश फायर कंट्री नजर में कुछ भी नहीं था लेकिन प्रॉस्पर कंट्री ने हमेशा उन्हें टाल दिया था और वे कभी भी अपनी वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करने से नहीं चुके थे अदिति को पूरी ताकत से सेना का नेतृत्व करते हुए देखकर ली चेन का दिल जल्द ही आश्चर्य से भर गया अदिति ने प्रॉस्पर कंट्री की दलीलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया उनकी सेना की गति थोड़ी भी कम नहीं हुई स्पष्ट रूप से प्रॉस्पर कंट्री के शिविर में सीधे हमला करने का इरादा था ली चेन ने सोचा था कि अदिति लिन पैलेस की यंग मिस के लिए क्यूरी साम्राज्य में सेना का नेतृत्व कर रही थी लेकिन उस समय उसे अब ऐसा महसूस नहीं हुआ उसने अदिति को इस तरह कभी नहीं देखा था इतनी भयानक जानलेवा आभा बिखेरते हुए ऐसा लग रहा था कि वह यहां किसी व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं बल्कि देश की चार सहयोगी सेनाओं को खून में धोने के लिए आया था मारना अदिति की आंखें सिकुड़ गई उसकी ठंडी आंखों में अतृप्त हत्या झलक रही थी वह कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी और इससे अधिक कुछ कहने भी नहीं जा रही थी उसके मन में केवल एक ही विचार था आक्रमणकारियों के इन झुंड को हमेशा के लिए दफनाने के लिए उन्हें क्यूई साम्राज्य की भूमि में गहराई तक रौंद दिया खून के बदले खून दांत के बदले दांत अदिति को मारने का आदेश दिया गया था और फायर कंट्री सेना एक अजय ज्वार की लहर की तरह आगे बढ़ी वे अनुशासित सैनिक थे जिन्हें कारण जानने की आवश्यकता नहीं थी बल्कि केवल शासक की आज्ञा का पालन करना था अदिति के कंधे के ठीक पास अपने घोड़े पर सवार था वह स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था कि अदिति उस समय कितना उग्र क्रोध महसूस कर रही थी समृद्ध देश का शिविर उनकी आंखों के ठीक सामने था और उसके मुंह के कोने ठंडी मुस्कान में बदल गए उसका लंबा पतला शरीर अचानक घोड़े से उड़ गया स्वर्ग से उतरे एक दिव्य देवता की तरह वह सीधे समृद्ध देश की छावनी की ओर उड़ गया समृद्ध देश के मुख्य कमांडर ने आश्चर्य से उस सुंदर दिखने वाले आदमी को देखा जो आकाश से उनकी ओर उड़ रहा था उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी समय बाहर आ जाएंगी सुंदर दिखने वाला व्यक्ति अपने निर्दोष चेहरे के साथ समृद्ध देश के सैन्य शिविर के बीच में शानदार ढंग से उड़ गया और उसके दोनों स्पष्ट और सुंदर हाथ हल्के से हवा में उड़ गए प्रॉस्पर कंट्री के शिविर में अचानक तेज आंधी उठी जिसने जमीन फाड़ दी उस आंधी के भीतर एक निश्चित काली धुंध घुली हुई थी जो रीपर की दरांती की तरह थी जिसने समृद्ध देश के सभी सैनिकों को भयंकर आंधी के चारों ओर खींच लिया पलक झपकते ही खून की भारी तीखी दुर्गंध हवा में फैल गई काले घूमते तूफान के अंदर से हर जगह खून बह रहा था भीतर से भयावह चीखे लगातार निकलती रहीं ब्लेड कवच मांस और हड्डियों को तोड़ दिया गया और पीस दिया गया अंतिम चीखे हर किसी के कानों तक पहुंच गई अग्नि देश के सम्राट के नाम के तहत मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेजूंगा जून वो याओ ने हवा में शानदार ढंग से कदम रखा वह हवा के बीच में खड़ा था उसके बाई और दाई और दो काले चक्करदार तूफान थे खून बारिश की तरह गिरा समृद्ध देश के शिविर के हर इंच पर बिखर गया समृद्ध देश के सैनिकों के शरीर पर जमीनी मांस की तेज़ बौछार के साथ गर्म खून छोटे छोटे छींटों में गिरा उनके मुख्य कमांडर का चेहरा खून की बारिश से लाल हो गया उसकी आंखें अत्यंत भय से चौड़ी हो गई थी क्योंकि वह उस आकर्षक दिखने वाले आदमी को अनियंत्रित रूप से घूर रहा था जैसे कि वह शैतान हो जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक पहुंच गई पलक झपकते ही उसकी हथेलियों के हल्के से झटके से समृद्ध देश की सेना के भीतर लगभग एक हजार सैनिक एक पल में पिसे हुए मांस में बदल गए थे और उन सिपाहियों को पता भी नहीं चला कि आखिर हुआ क्या था जून वो याओ खून की बारिश के साथ खड़ा था उसकी राक्षसी आंखें बैंगनी रंग की जानलेवा आभा के साथ स्पंदित हो रही थी उसने अपने ऊपर गिर रही लाल बारिश के स्वागत में अपने दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर उठाया उसके मुंह के कोने एक शैतानी चाप में मुड़ गए अदिति के भव्य शो उसके प्रतिशोध के नरसंहार खून बहाए जाने का उपयोग करके सभी रुई लिंद सेना के सैनिकों की मृत्यु की स्मृति में एक भेंट के रूप में शुरुआती अभिनय बनने दे समृद्ध देश के सैनिकों पर खून की बारिश हुई जिससे उनके दिलों में पागलपन भरा डर बैठ गया जिससे वे धीरे धीरे एक निराशाजन और खाई के किनारे की ओर धकेलने लगे क्यों क्यों फायर कंट्री दुश्मन बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है यह ग्लफमी है इसके पीछे कोई ग्लफ्फमी रही होगी समृद्ध देश के मुख्य कमांडर को लगा कि उसके पैरों से ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई है उसने पहले कभी ऐसा भयानक नरसंहार नहीं देखा था जिसमें सिर्फ़ एक आदमी के हाथ से एक पल में हजारों लोगों की जान चली गई हो वह आदमी जो स्वयं शैतान जैसा था वास्तव में वह कौन हो सकता है जून वो याओ ने केवल मुस्कुराते हुए समृद्ध देश के मुख्य कमांडर की ओर देखा क्योंकि साम्राज्य की सीमाओं में पहला कदम रखा था वे निराशाजनक रूप से अपनी भूमि पर मरने के लिए अभिशप्त थे फायर कंट्री सेना फिर प्रॉस्पर कंट्री के शिविर में जोरदार तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई उस तीव्र और क्रूर आक्रमण ने समृद्ध देश की सेना को उनके डर से असहाय बना दिया संपूर्ण भूमि में सबसे शक्तिशाली देश की सेना एक छोटा सा समृद्ध देश उसकी तुलना करने की उम्मीद नहीं कर सकती थी बख्तरबंद घुड़सवार सेना शिविर में घुस गई विशाल युद्ध स्टालिनों ने स्तब्ध दुश्मन सैनिकों को हवा में उड़ा दिया लोहे के खुरों के नीचे एक के बाद एक कई जिंदगी खम हो गई रूई लिन सेना के सैनिकों के खून से रंगे थे उन्हें तुरंत उत्तराधिकार में सीधे नरक में भेज दिया गया शत्रु सेना के बीच में जो आतंकित होकर पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गई थी समृद्ध देश का मुख्य कमांडर उन्मादी घबराहट में फंस गया था फायर कंट्री बख्तरबंद घुड़सवार सेना ने उसके चारों ओर धावा बोल दिया लेकिन वह अकेला था जो अपनी जगह पर खड़ा था उसकी ओर एक भी हमला नहीं किया गया और किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की बख्तरबंद घुड़सवार सेना के हमले के तहत पूरी सेना को असहाय रूप से लड़खड़ाते हुए देखकर क्रॉस्पर कंट्री के मुख्य कमांडर का दिल गहरी खाई में डूब गया उसने सोचा था कि समृद्ध देश की कई लाख की सेना कम से कम एक अवधि तक टिकने में सक्षम होनी चाहिए लेकिन जब उसने फायर कंट्री सेना की क्रूरता और निडरता देखी तो उसकी सारी आशाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई हालांकि फायर कंट्री बख्तरबंद घुड़स्वार सेना रुई लिंद सेना जितनी प्रभावशाली और क्रूर नहीं थी लेकिन उनका समन्वय और समग्र शक्ति अभी भी बहुत उच्च स्तर पर थी फायर कंट्री भारी संख्या के अतिरिक्त लाभ के साथ और क्रॉस्पर कंट्री की सेना पर बिना तैयारी के हमला किए जाने के कारण प्रॉस्पर कंट्री के सभी सैनिक पहले से ही फायर कंट्री शक्तिशाली प्रतिष्ठा से भयभीत थे और वर्तमान स्थिति में वे वास्तव में फायर फायर कंट्री बुला सके लड़ने की इच्छा जिसके परिणाम स्वरूप वे पूरी तरह से बर्बाद हो गए क्यों क्यों? समृद्ध देश ने अग्नि देश को कभी नाराज नहीं किया था अग्निमय देश हमारे विरुद्ध तलवार क्यों उठा रहा है फायर कंट्री बड़ा देश होने के बावजूद आपने वास्तव में छिपकर हम पर इस तरह हमला किया था यदि इसकी खबर लीक हो गई तो क्या आप देश भर के लोगों का मज़ाक नहीं बन जाएंगे प्रधान सेनापति जोर से चिल्लाया वह खुद को विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह सब इस समय उसके साथ हो रहा था ठीक उसी समय जब उन्होंने क्यूई साम्राज्य की सेनाओं को खत्म कर दिया था और सभी आराम से बैठकर पुरस्कारों का आनंद लेने के लिए तैयार थे वह खूबसूरत सपना अचानक बेरहमी से कुचल दिया गया था अचानक समृद्ध देश के मुख्य कमांडर के सिर के ठीक ऊपर एक बर्फ़ीली आवाज़ सुनाई दी क्यूई साम्राज्य ने कौन सा अपराध किया चार देशों ने मिलकर उन पर आक्रमण क्यों किया क्यूई साम्राज्य का अपराध क्या है क्या चारों देशों ने क्यूई साम्राज्य को खुद को तैयार करने का थोड़ा सा भी मौका दिया वह आवाज मुख्य सेनापति के सिर पर बिजली की तरह गिरी और उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठा लिया सूरज के पीछे होने पर उसने एक आकृति की छाया देखी जो उसके ठीक बगल में एक ऊंचे युद्ध घोड़े पर बैठी थी उस व्यक्ति ने चांदी का कवच पहना हुआ था और उसके पीछे की रोशनी की चमक के कारण कोई भी उसका चेहरा देखने में असमर्थ हो गया लेकिन उस आकृति के चारों ओर फैली सहरन पैदा करने वाली जानलेवा आभा ने कई लड़ाइयों से गुजर चुके मुख्य कमांडर को भी महसूस कराया कि उसकी खोपड़ी अचानक सुन्न हो गई है यह कोंडोर देश है यह कोंडोर देश है कोंडोर देश चाहता था कि हम ऐसा करें हम कोंडोर देश के समकक्ष नहीं थे और हमारे पास खुद को उनके निर्देशों के अधीन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था मुख्य कमांडर दांतों को किटकिटाते हुए चीख रहा था घोड़े के ऊपर खड़ी आकृति उसके सबसे बुरे सपने की तरह थी जिसने उसके दिल को ठंडक पहुंचा दी हम हम वास्तव में क्यूई साम्राज्य पर हमला नहीं करना चाहते थे यह सब कोंडोर देश का विचार था अपने से ऊपर उठ रहे व्यक्ति के सवालों को सुनने के बाद मुख्य कमांडर केवल दोष मढ़ने की कोशिश कर सका क्योंकि उसे अभी भी समझ नहीं आया कि फायर कंट्री साम्राज्य जैसे छोटे देश के भाग्य के बारे में इतना चिंतित क्यों होगा यही कारण है कि आपने क्यू साम्राज्य पर हमला क्यों किया है आकृति का स्वर और शब्द अचानक बहुत हल्के हो गए और जैसे ही मुख्य कमांडर ने सोचा कि वह इस बार विपत्ति से बच सकता है एक और जेट काली आकृति अचानक एक तरफ से छलांग लगा दी यह एक विशाल जानवर था जो एक बहुत बड़े तेंदुए जैसा दिखता था जिसने तुरंत मुख्य कमांडर को जमीन पर गिरा दिया इसने अपने विशाल जबड़ों को चौड़ा कर लिया जिससे मुख्य कमांडर की आंखों के ठीक सामने उसके नुकीले नुकीले दांत दिखने लगे अर्ररक सूरज की रोशनी बदल गई थी जिससे युद्ध के घोड़े पर बैठी आकृति का चेहरा चमक रहा था बस एक नजर और इसने मुख्य कमांडर के दिल को बहुत सदमे में डाल दिया युद्ध के घोड़े के ऊपर वास्तव में एक स्पष्ट चेहरे वाला युवक बैठा था जो लगभग पंद्रह वर्ष का लग रहा था युवक ने चांदी के कवच का सूट पहना हुआ था उसकी आंखें खौफनाक हत्या से भरी थी उसके मुंह के कड़े कोने उसके भीतर जल रहे गुस्से को प्रकट कर रहे थे अदिति ऊपर बैठी थी मुख्य कमांडर को असहाय रूप से विशाल काले जानवर द्वारा नीचे दबाए हुए देख रही थी वो ठंडी आंखें पहले से ही मरे हुए आदमी को देख रही थी वह स्पष्ट रूप से एक युवा युवक था लेकिन मुख्य कमांडर ने उस युवक के सिर पर अग्निमय देश के शासक का प्रतीक सम्राट का मुकुट देखा यह युवक अग्नि देश का सम्राट है मुख्य सेनापति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था अभी बहुत समय नहीं हुआ था जब उन्होंने एक चौंकाने वाली खबर सुनी थी फायर कंट्री पिछले सम्राट ने अचानक इंपीरियल फायर की आग के मालिक के पक्ष में शासक के सिंहासन के त्याग की घोषणा की थी हालांकि जिस दिन यह खबर लीक हुई वह व्यक्ति जो अभी अभी फायर कंट्री सम्राट बना था फायर फायर कंट्री से अचानक गायब हो गया था कोई नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कौन था और कोई नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कहा गया था इस तरह क्यूं साम्राज्य की धरती पर देखेगा कोंडोर देश और अन्य दो देशों की सेनाएं वे कहाँ हैं अदिति ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ते हुए पूछा पर्याप्त नहीं अभी भी पूरा नहीं समृद्ध देश की सिर्फ एक सेना उसके दिल के भीतर भड़की आग को बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं थी वह कभी नहीं भूल पाएगी वह दृश्य उसकी आंखों ने क्यूई साम्राज्य की भूमि पर गिरे हुए रुई लिंद सेना के सैनिकों के शवों को बिखरा हुआ देखा वह कभी नहीं भूलेगी जब उसने गिद्धों की भीड़ को लाशों के ऊपर मंडराते देखा था और उन मैला ढोने वालों का मांस खाते हुए भयानक दृश्य देखा था रुई लिंत सेना के दिग्गज और सम्मानित लोग युद्ध के मैदानों में खून बहाकर अपने देश की रक्षा कर रहे थे एक ऐसी सेना जिसे उनके दादा ने अपने जीवन के खून और आंसुओं से कड़ी मेहनत से प्रशिक्षित और तैयार किया था जिसे बहुत बेरहमी से मार दिया गया और कुचल दिया गया इन चार देशों की संयुक्त ताकत रुई लिन सेना के कारण प्रतिशोध उसके हाथ से लिया जाएगा क्यूई साम्राज्य पर खून के अनगिनत कर्ज बकाया थे वह चार देशों की मित्र सेनाओं से एक एक करके यह सब वापस ले लेगी वे वे पहले ही पहुंच चुके हैं इंपीरियल सिटी तक पहुंच चुके हैं मुख्य कमांडर डर के मारे हकलाते हुए बोला उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने कम उम्र के युवक से इतना भयभीत क्यों होगा अदिति के चेहरे से तुरंत सारा तापमान उतर गया और उसने क्यूई साम्राज्य के शाही शहर की दिशा में देखने के लिए अपना सिर उठाया दादा चाचा उसे मार दो अदिति ने कसकर भीचे हुए जबड़ों से कहा काले जानवर ने अपने जबड़े खोले और समृद्ध देश के मुख्य कमांडर का गला फाड़ दिया चमकीला लाल रक्त झरने की तरह फूट पड़ा और पूरे क्षेत्र में फैल गया अदिति पर छींटे मारते हुए उसके चांदी के कवच को लाल रंग में रंगते हुए बड़े भाई अदिति ने अचानक जोर से आवाज लगाई अदिति के सामने प्रकट होने के लिए हजारों की संख्या में दुश्मन सैनिकों के बीच से जून वु याओं की आकृति उभरी वह पूरा खून से लथपथ था लेकिन उसके शरीर से एक बूंद भी नहीं निकली हम हम्म? मुझे इंपीरियल सिटी ले आओ तुरंत अदिति का दिल एक बर्फीली झील में गिर गया था यहां रास्ते में उसने पहले से ही रुई लिन सेना की असंख्य लाशें देखी थी और उसे नहीं पता था कि इस युद्ध में रुई लिन सेना में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी लेकिन एक बात वह निश्चित रूप से जानती थी अन्य तीन देशों की सेनाओं के इंपीरियल सिटी की ओर बढ़ने से क्यूई साम्राज्य पहले ही वास्तव में हताश स्थिति में आ गया था खोने के लिए एक भी मिनट नहीं था उसे तुरंत इंपीरियल सिटी की ओर भागना होगा चूंकि प्रॉस्पर कंट्री की सेना अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी और अदिति को तुरंत इंपीरियल सिटी की ओर भागने की ज़रूरत थी वह केवल जून वु याओं को वहां से उड़ान भरकर ला सकती थी क्यूई साम्राज्य का शाही शहर युद्ध के घने धुएं में डूबा हुआ था तीर बारिश की तरह हवा में उड़ रहे थे और सैनिक शहर की दीवारों से गिर रहे थे लेकिन अंतराल जल्दी से भर जाएगा और अधिक सैनिक दुश्मन पर गोली चलाने के लिए अपने धनुष वापस खींचने के लिए पदों की ओर दौड़ेंगे इंपीरियल सिटी की दीवारों को कसकर बंद कर दिया गया था क्योंकि तीन देशों की सेनाओं ने इसे तोड़ने की कोशिश करते हुए उस पर हमला किया था शहर के भीतर अनगिनत सैनिक अपनी पूरी ताकत से शहर के बंद फाटकों पर हमला कर रहे थे क्योंकि उस पर लगातार हो रही मार का विरोध करने के लिए उसे सहारा देने के लिए फाटकों पर मोटी लकड़ियां ले जाई गई थी जल्दी करो तीरंदाज बने रहें जून किंग शहर के भीतर खड़ा था शहर की रक्षा का निर्देशन कर रहा था क्योंकि बाहर से तीरों की केंद्रित बौछारें शहर के भीतर उड़ने के लिए पहले से ही शहर की दीवारों पर तैर रही थी कई तीरों में आग जल रही थी और दीवारों की परिधि के आसपास के सभी सैनिकों ने गिरते तीरों को रोकने के लिए अपनी ढालें उठा ली थी जिससे शहर के अंदर अचानक स्पष्ट गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगी आग की लपटों और चिंगारी की बौछार में आग के तीर फूट रहे थे जब वे उतरे जल्दी से सारी आग बुझाओ जून किंग चिल्लाया काश वह खुद को विभाजित कर पाता जब दुश्मन द्वार पर था तो उनके लिए एकमात्र विकल्प अंत तक शहर की रक्षा करना था एक बार जब शहर के द्वार टूट गए तो तीनों देशों के सैनिक अजय ज्वार की तरह अंदर आ जाएंगे और शहर के भीतर उनके सैनिक बाहर के शेरों का विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे जिनकी संख्या दस लाख से अधिक थी शहर के आम नागरिक तीरों की बारिश से बचने के लिए अपने अपने घरों में छुपे हुए थे जबकि सभी सक्षम लोगों ने पहले ही छिपना छोड़ दिया था देश के नागरिक के रूप में उन्होंने उस क्षण आगे बढ़ने का फैसला किया था उनके पास उच्च आध्यात्मिक शक्तियां नहीं थी न ही उनके पास शक्तिशाली रिंग स्पिरिट्स थी लेकिन फिर भी उनके पास सक्षम हाथों की जोड़ी थी शहर में आग लगने पर उन्हें बुझाने में मदद करने के लिए वे पानी लेकर आए और जब सैनिक घायल हो गए तो वे उनका इलाज कराने के लिए उन्हें अपने साथ ले गए उस समय शहर के भीतर केवल कमजोर बुजुर्ग और महिलाएं अपने बच्चों के साथ चुपचाप छिपी हुई थी बाकी सभी सक्षम शरीर वाले वयस्क अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इस लड़ाई में शामिल हो गए थे फिर तीनों देशों के सैनिक दीवारों को लांगने के लिए तैयार हुए क्यूई साम्राज्य के सैनिकों ने दुश्मन सैनिकों की घुसपैठ को रोकने के लिए स्केलिंग सीढ़ियों पर ज्वलनशील तेल डाला और उनमें आग लगा दी चकनाचूर करने वाले विस्फोटों और चीखती चीखों ने स्वर्ग को छलनी कर दिया मोकयान युआन शहर में खड़ा था उसके सामने अराजक दृश्य देखकर उसका दिल पसीज गया उन्होंने अपने सभी अधिकारियों के विरोध को नज़रअंदाज कर दिया था और स्वयं कवच पहनकर युद्ध में शामिल होने आए थे क्यों साम्राज्य का शासक है तो वह महल के भीतर कैसे छिपा रह सकता है और अपनी सेना के लोगों और अपने नागरिकों का खून कैसे बहने दे सकता है क्यों साम्राज्य द्वारा किए गए अंतिम संघर्ष की तरह लड़खड़ाते और हिलते हुए हर कोई हटपूर्वक विरोध कर रहा था लेकिन उन सभी के दिलों में वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि उनके प्रतिरोध का परिणाम अंत व्यर्थी होगा नगर के बाहर तीन देशों की तीन सेनाएं उनके द्वारों की ओर बढ़ रही थी शहर को तोड़ना समय की बात थी लेकिन उनमें से एक भी उस पर हार मानने को तैयार नहीं था यह उनका देश था वह मिट्टी जिस पर उनके घर बसे थे भले ही वे अपने खून की आखिरी बूंद तक भी लड़ते रहे वे कभी भी एक गिरे हुए देश का गुलाम नहीं बनना चाहेंगे मुख्यान युआन सड़क पर खड़ा था अपने नागरिकों के मिश्रण को देख रहा था उन्हें इम्पीरियल सिटी के उल्लंघन के खिलाफ समर्थन में अपनी सामान्य और औसत दर्जे की रिंग स्पिरिट का उपयोग करते हुए देख रहा था जब वे खेती और काम के औजारों को अपने हाथों में मजबूती से पकड़े हुए थे जब वे शहर के फाटकों की ओर चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे जब वे सैनिकों के साथ फाटकों के खिलाफ धक्का दे रहे थे तो उनकी मांसल मांसपेशियां कसकर चिपक गयी उसकी आंखों के किनारे अचानक गर्म हो गए इस जीवन में उन्होंने काफी कुछ अनुभव किया था क्यूँ साम्राज्य के इस शासकत्व में स्थापित होने से पहले पितृहत्या हड़पना भाई बहनों के खिलाफ षड्यंत्र रचना वह कभी नहीं जानता था कि ड्रैगन रॉक के साथ उसने जो हासिल किया वह सिर्फ रुतबा और अधिकार नहीं था बल्कि उसके कंधों पर इस बात का भी बोझ था कि क्यों ही साम्राज्य जीवित रहेगा या नष्ट हो जाएगा उन्हें कभी नहीं पता था कि क्यों ही साम्राज्य के नागरिक इस तरह की स्थिति में आगे बढ़ेंगे वह कभी नहीं जानता था कि ड्रैगन रॉक के साथ उसने जो हासिल किया वह सिर्फ रुतबा और अधिकार नहीं था बल्कि उसके कंधों पर इस बात का भी बोझ था कि क्यों ही साम्राज्य जीवित रहेगा या नष्ट हो जाएगा उन्हें कभी नहीं पता था कि क्यूई साम्राज्य के नागरिक इस तरह की स्थिति में आगे बढ़ेंगे उस पल मोकयान युआन को अत्यधिक गर्व महसूस हुआ उन्हें इस देश में जन्म लेने पर गर्व था क्यूई साम्राज्य का शासक बनना क्यूई साम्राज्य के लोगों पर गर्व है क्यूई साम्राज्य की सेना के लोगों पर गर्व है हालांकि क्यूई साम्राज्य छोटा था लेकिन क्यूई साम्राज्य के भीतर हर कोई लोगों के साथ सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए एक साथ आए क्यूई साम्राज्य के गौरव की रक्षा के लिए ऐसी सेना के साथ देश में ऐसे लोगों के साथ वह कितना दुर्लभ और अनमोल था भले ही क्यू ही साम्राज्य का पतन हो जाए क्यू ही साम्राज्य के लोगों की कमर नहीं झुकेगी बल्कि एक संपूर्ण टाइल की तुलना में एक टूटा हुआ जेड टुकड़ा क्लाउड से अनुवादक का नोट चीनी मुहावरा इस उदाहरण में समझदार प्रतिस्थापन यह होगा अपमान सहने के बजाय मौत को चुने ड्यूक्लिन शहर के फाटकों पर रोक नहीं रहेगी शहर के फाटकों की ओर बढ़ रहा एक सैनिक जून शियान की ओर आतंकित होकर चिल्लाया जिसके पास शहर के भीतर सेना की कमान थी उसकी आंखें भय से भरी थी यह भय इस बात से नहीं था कि वह दुश्मन का सामना करने वाला था और आसन्न मृत्यु को प्राप्त करने वाला था बल्कि एक भयावह निराशा थी कि देश का पतन होने वाला था क्यों क्योंकि साम्राज्य की स्थापना के समय से उन्होंने छोटी बड़ी कितनी लड़ाइयां देखी है उन्होंने मजबूत ताकों के कितने आक्रमणों को पीछे धकेला है हालांकि उन्हें एक शक्तिशाली देश नहीं माना जाता था फिर भी उनका अपना विश्वास था उन्होंने अपनी भूमि की रक्षा की और अपने घरों की रक्षा की यह सब इसलिए क्योंकि उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया था कि उनके देश का पतन नहीं होना चाहिए देश की स्थापना के समय उथल पुथल भरे युद्धों से संघर्ष करने के बाद अंत शांति की अवधि का आनंद लेने के लिए लेकिन अब सब कुछ खत्म होने वाला है वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे गवारा नहीं जून जियान की भौहें आपस में कसकर चिपक गई एक बार जब शहर के फाटक तोड़ दिए गए तो शहर के भीतर सैनिक कितनी देर तक टिके रह सकेंगे रुई लिन सेना के सैनिकों की संख्या अधिक नहीं थी और क्यूई साम्राज्य की सेना की संख्या लगातार घट रही थी क्या वे इस दिन तक टिक पाएंगे जून जियान निश्चित नहीं हो सका उसने कई युद्ध लड़े थे और उसके अंदर एक सैनिक की आत्मा थी जो खून के नीचे से निकल गई थी लेकिन उस समय क्यूई साम्राज्य की निराशाजन स्थिति का सामना करते हुए वह उन सभी को इससे बाहर निकालने के लिए कोई समाधान नहीं निकाल सका रुई लिन सेना के सभी सैनिक मेरी आज्ञा का पालन करते हैं जून जियान ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया शहर के सभी रुई लिन सेना के सैनिक जो चमत्कारिक रूप से जीवित रहने में कामयाब रहे थे उन सभी ने अपनी निगाहें जून जियान की ओर कर ली जिस दिन से रुई लिन सेना की स्थापना हुई उसी दिन से मैं और अन्य पुराने जनरल जानते थे कि यह सेना हमेशा क्यूई साम्राज्य की धरती की रक्षा करेगी राज्य के मौजूदा संकट के सामने यह लड़ाई रुई लिन सेना की अंतिम लड़ाई बन जाएगी मैं जून जियान अपने पूरे जीवन में मेरा सबसे बड़ा गर्व यह है कि मैं यहाँ आप सभी का नेतृत्व करने में सक्षम हूँ आप जैसे वफादार और लौह रक्त वाले लोगों का एक समूह आज आखिरी सांस तक खून की आखिरी बूंद तक रुई लिन सेना के नाम को बदनाम मत करो यह जानते हुए भी कि रुई लिन सेना नाम आज के बाद स्वर्ग के नीचे मौजूद नहीं रहेगा हमें पूरे देश में हर किसी को इसे याद रखना चाहिए क्यों साम्राज्य के पास एक बार सबसे क्रूर ताकत थी जिसने उनके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया था एक ऐसी सेना जिसने कभी हार नहीं मानी इस अंतिम मोड़ पर रुई लिंक सेना की हिम्मत दिखाने वाली लड़ाई जून जियान ने अपना सिर उठाया उसकी निगाहें दृढ़ और अटल थी तेज हवा के झोंके में ऐसा लग रहा था कि वह अतीत में वापस चला गया है अपने चरम पर 20 साल की उम्र में बहादुर और दुर्जे नवगठित रुई लिंद सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध के मैदान में उतर रहा था मारना 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 रुई लिंत सेना के सैनिकों के गले से धरती को चीरने वाली दहाड़ निकली वे मृत्यु से नहीं डरते थे और युद्ध के मैदान का स्वागत करते थे वे सैनिक भावना के साथ पैदा हुए थे खून की लड़ाइयों में उलझना उनकी नियति थी युद्ध के मैदान के लिए जन्मे युद्ध के मैदान में मरे यह उनकी महिमा का अंतिम क्षण होगा रुई लिन सेना का जोश आसमान की ओर बढ़ रहा था कानों को चीरने वाली दहाड़ से आसपास के लोगों की छाती में गर्म खून बह रहा था अवज्ञा में गर्जना हो रही थी जो रुई लिन सेना की अडिग रीढ़ की हड्डी का प्रतीक थी जून जियान ने एक गहरी सांस ली और शहर की दीवार के ऊपर खड़े जून किंग पर नजर डाली जून किंग ने सिर हिलाया और अपने पिता को एक बेटे की मुस्कान दी जून जियान ने फिर अपनी निगाहें हटा ली और शहर के फाटकों की ओर मुंग करके अपने कूल्हे पर रखी तलवार को खोल लिया और अंतिम क्षणों में अपनी भावनाओं में डूब गया क्यूई साम्राज्य के इंपीरियल शहर के बाहर तीन देशों की सेनाओं के पीछे कोंडोर देश के कमांडर इन चीफ बैठे पूरी घेराबंदी की निगरानी कर रहे थे जब उन्होंने शहर को युद्ध की लपटों से घिरा हुआ देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके बगल में सफेद कपड़े पहने एक अच्छा दिखने वाला युवा घोड़े पर इतमिनान से बैठा था और वह अपने होठों पर एक आलसी मुस्कान के साथ इम्पीरियल शहर में हो रही उथल पुथल को देख रहा था इतना छोटा सा देश और इसमें आप सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ी क्या यह कोंडोर देश की ताकत की सीमा है अच्छे दिखने वाले युवक ने टिप्पणी की जैसे ही उसने कोंडोर देश के कमांडर इन चीफ की ओर देखा उसकी आंखें तिरस्कार से भर गयी उनमें सम्मान का जरा भी संकेत नहीं था युवक के व्यंग्यपूर्ण प्रश्न पर कोंडोर देश के कमांडर इन चीफ ने हालांकि खंडन में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की लेकिन केवल इतना कहा हालांकि क्यूई साम्राज्य छोटा है लेकिन यह वह हड्डी है जिसे सभी देशों में कुतरना सबसे कठिन है इसकी संपूर्ण भूमि का आकार कोंडोर देश के पांचवें हिस्से से भी कम है हालांकि उनके पास अपनी सेनाओं के भीतर सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली बल है यदि उनके पास वह सेना नहीं होती तो विभिन्न देशों की सत्ता की लड़ाई के तहत क्यूई साम्राज्य बहुत पहले ही अपनी रक्षा करने की क्षमता खो चुका होता हालांकि क्यूई साम्राज्य पराजित होने वाला था लेकिन कोंडोर देश के कमांडर इन चीफ ने इस सबसे क्रूर स्ट्राइक फोर्स का गहरा सम्मान किया भले ही क्यूई साम्राज्य इस दिन गिर गया रुई लिन सेना को अभी भी सम्मान और प्रतिष्ठा में रखा गया था देश का पतन उनकी कोई गलती नहीं थी बल्कि राज्य के पिछले सम्राट की मूर्खता के कारण था हाँ यह तो महज एक बहाना है और मैं इस पर विश्वास नहीं करने वाला ऐसी जगह पर क्या सचमुच यह संभव हो सकता है कि एक अपराधे सैनिक की आत्मा जैसी कोई चीज अस्तित्व में हो मुझे यकीन है कि यह सिर्फ इतना है कि आप सभी इतने कमजोर हैं कि आपको इस तरह के एक छोटे से देश पर हमला करने के लिए चार देशों की संयुक्त ताकत की आवश्यकता होगी और ऐसा करने के लिए आधे महीने की भी आवश्यकता होगी तुम सब सचमुच बेकार होगे। युवक ने व्यंग्यपूर्वक कहा कोंडोर देश के कमांडर इन चीफ की भौहें तन गई और उसने अपने दिल में भर रहे गुस्से को दबाने के लिए संघर्ष किया मैंने तुमसे जो वादा किया है वह अवश्य पूरा करूंगा युवक ने कमांडर इन चीफ पर तिरछी नज़र डाली और कहा क्या इतना नाराज होने की जरूरत है यह सौदा वह था जिस पर आपके अपने सम्राट ने सहमति देने के लिए हमसे अनुरोध किया था यदि उसकी सारी भीख न होती तो ऐसे कई लोग हैं जो हमारे लिए काम करने को तैयार होते कोंडोर देश के आप लोगों के बिना हम अभी भी फायर कंट्री तलाश कर सकते हैं इसके अलावा इस सौदे में कोंडोर देश के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है एक छोटे क्यूई साम्राज्य को नष्ट करने के लिए हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने में सक्षम होंगे जबकि आपका देश अधिक शक्ति हासिल करने में सक्षम होगा तो क्यों नहीं वह क्या है जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं कमांडर इन चीफ ने युवक की ओर देखते हुए बेचैनी से पूछा युवक की उम्र लगभग बीस से कुछ ही अधिक लग रही थी लेकिन उसके पास बेहद मज़बूत शक्तियां थी यहां तक कि पूरे देश का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी जब इस युवक का सामना करता था तो उसके एक वार से भी बच नहीं पाता था वे कोंडोर देश के सम्राट की तलाश में गए थे और आपस में एक गुप्त समझौते पर सहमत हुए थे जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी लेकिन वे केवल यह जानते थे कि उनका मिशन क्यूँ साम्राज्य को नष्ट करना था और क्यूई साम्राज्य के शाही शहर के गिरने के बाद वे ऐसा करने वाले थे कुछ खोजने में युवाओं की सहायता करें तब युवक ने उत्तर दिया यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आपको पूछना चाहिए कोंडोर देश के कमांडर इन चीफ ने अपना जबड़ा भींच लिया और अपना सिर नीचे कर लिया हालांकि उसी क्षण उनकी सेनाओं के पीछे से अचानक अराजकता की गर्जना शुरू हो गई जो उन तक पहुंच गई कोंडोर देश के कमांडर इन चीफ ने अपना सिर पीछे घुमाया और देखा कि एक सेना अचानक पीछे से तीन देशों की सेनाओं की ओर बढ़ रही थी अधिक सटीक रूप से कहें तो उसे वास्तविक सेना के रूप में नहीं गिना जा सकता उस सेना के सभी लोग क्यू ही साम्राज्य के नागरिकों द्वारा बनाए गए थे उनके शरीर बेंद से बने मिश्रित कवच से ढके हुए थे उनके हाथों में विभिन्न ब्लेड और चाकू थे उनमें से कुछ के पास खेती में इस्तेमाल होने वाले बेढंगे और बोझल उपकरण भी थे जो अव्यवस्थित और बिखरे हुए थे उनके कदम एक साथ नहीं थे क्योंकि वे तीनों देशों की सेनाओं की छावनी की ओर बढ़ते समय चिल्ला रहे थे युवक ने हैरान होकर मोटली क्रू को देखा और उसने ऐसी आवाज में कहा जैसे उसे यह बहुत मजाकिया लगा हाहा हाहा हा हाहा यह क्यूई साम्राज्य क्या है हाँ 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 यह वह सेना है जो क्यूई साम्राज्य के पास है मेरे स्वर्ग तथाकथित सेना में एक साथ रखे गए लोगों का यह सबसे मनोरंजक समूह है जो मैंने देखा है कोंडोर देश के प्रधान सेनापति का हृदय धक से रह गया वह क्यूई साम्राज्य की सेना नहीं है बल्कि क्यूई साम्राज्य के आम नागरिक है लोग अलग अलग उम्र के थे और अलग अलग कपड़े पहने हुए थे विभिन्न बड़े शहरों के बहुत ही नियमित नागरिक थे युद्ध के कारण उन्हें उन शहरों से भागने के लिए मजबूर किया गया था जहां वे थे और पूरे रास्ते भागते रहे एक यात्रा जो आतंक और आतंक से भरी हुई थी आशा की अंतिम किरण की तलाश में लेकिन जब वे यहां पहुंचे और देखा कि शाही शहर को घेर लिया गया है तो उस पल उन सभी ने अचानक खुद को भीषण क्रोध से भरा हुआ पाया मारना एक युवक जो अभी भी थोड़ा हरा था चिल्लाया जब वह लोगों के झुंड के सामने भाग गया उसकी आंखें लाल और खून से लथपथ थी जब वह तीन देशों की सेनाओं को घूर रहा था जिन्होंने उनके घरों को नष्ट कर दिया था और उनके लोगों को मार डाला था शाही शहर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए क्यों इस साम्राज्य को गिरने की अनुमति नहीं दी जा सकती पूरे इतिहास में यह अब तक इकट्ठी की गई सबसे कमजोर सेना थी एक ऐसी ताकत जिसे शब्द के किसी भी अर्थ में सेना भी नहीं कहा जा सकता था लेकिन इस समय जब देश का भाग्य दाव पर था वे अचानक एक ऐसी ताकत बन गए जो पूरी तरह से निडर थी इंपीरियल सिटी की दीवार पर जून किंग पहले से ही तीन देशों की सेनाओं के साथ मौत से लड़ने के लिए तैयार था लेकिन उसने अचानक दूसरे छोर पर दुश्मन की रेखाओं के पीछे रैगटैग सेना को देखा उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने अविश्वास से देखा उसकी हड्डियां घिसने वाला सफ़ेद उल्लू आसमान की ओर जा रहा था और उसने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा वह सब जून किंग को बता रहा था क्यों साम्राज्य के नागरिक युद्ध के मैदान में तब आएंगे जब लड़ाई सबसे तीव्र होने वाली थी वे अलग अलग शहरों और अलग अलग हिस्सों से थे लेकिन उनमें एक बात समान थी क्यूई साम्राज्य का वही अदम्य गर्म खून गुस्से के साथ बह रहा था जून क्विंग का शरीर अनियंत्रित रूप से हिल गया हड्डी घिसने वाले सफेद उल्लू की दृष्टि में उसने वह दृश्य देखा जहां उस रैक्टैग सेना के लोगों को तीन देशों की सेनाओं द्वारा कुचल दिया जा रहा था बुजुर्ग जो पहले से ही आधी सदी से अधिक उम्र के थे युवा जो अभी भी वयस्क नहीं हुए थे उनमें से हृष्टपुष्ट शरीर वाले पुरुष बख्तरबंद घुड़सवार सेना के खुरों के नीचे जमीन तुरंत खून से सनी हो गई वे ताकतवर नहीं रहे होंगे दूसरों की नज़रों में मज़ाक बन गए होंगे लेकिन उन्होंने इंपीरियल सिटी के लिए थोड़े समय का समय खरीदने के लिए अपने जीवन का उपयोग किया था और समय की वह बहुत ही संक्षिप्त अवधि उन खरीदे गए क्षणों में बदल जाएगी जिसने पूरे क्यूई साम्राज्य के भाग्य को बदल दिया क्यूई साम्राज्य के हज़ारों नागरिकों से बनी वह बेहद कमज़ोर रैक्टैग सेना तीन देशों की प्रशिक्षित सेनाओं के सामने एक घंटे भी नहीं टिक पाई थी लेकिन एक भी जीवित बचे बिना उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था उनके शव खून से लथपथ पड़े थे लेकिन उनकी आत्माएं कभी नहीं बुझेंगी क्या मजाक सफ़ेद वस्त्र पहने युवक ने क्यूई साम्राज्य के एक युवा लड़के का सिर पकड़कर उसे खिलौने की तरह इधर उधर घुमाते हुए कहा इतना असहाय रूप से नाजुक की यह लगभग दुखद है मैंने बस उसे थोड़ा सा घुमाया था और उसका सिर वैसे ही धड़ से अलग हो गया था हा 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 एक जोरदार धमाके के साथ युवक का सिर कुचल गया और सिर उसके हाथ में ही फट गया खून और दिमाग तुरंत सभी दिशाओं में उड़ गए और उसके चेहरे पर सिर्फ उत्साह और खुशी के भाव थे कचरे का इतना बड़ा ढेर और उन्होंने वास्तव में हमें एक घंटे तक रोके रखा था हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसे क्यूरी साम्राज्य के इंपीरियल शहर के भीतर उन चींटियों के लिए आखिरी बार अपनी सांस लेने का मौका माने युवक ने लापरवाही से कहा और जब उसने कोंडोर देश के कमांडर इन चीफ की ओर देखा तो उसने अपनी खून से सनी अंगुलियों को साफ करने के लिए रूमाल निकाला अब तुरंत चौतरफा हमला शुरू करो एक घंटे के समय में मैं चाहता हूं कि क्यूई साम्राज्य का नाम इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो जाए हमले का संकेत देने वाले बिगुल बज उठे तीन देशों की बख्तरबंद घुड़सवार सेना क्यूई साम्राज्य के शाही शहर की ओर बढ़ी इतने लंबे समय से रुके हुए शहर के टूटे फूटे दरवाजे आखिरकार उसी क्षण टूट गए हालांकि उसी क्षण जब तीनों देशों की सेनाएं उस क्षण का लाभ उठाने और टूटे हुए फाटकों के माध्यम से इंपीरियल सिटी में प्रवेश करने वाली थी एक तेज आंधी अचानक अंदर आ गई कई तूफानों ने शहर के फाटकों के सामने एकत्र हुए सभी सैनिकों को हवा में उड़ा दिया और वेदना भरी चीखे अचानक हवा में गूंज उठी घूमते तूफानों के भीतर से सभी दिशाओं में खून के छीनते फूट पड़े उस खून की बारिश के भीतर से दो आकृतियां अचानक क्यूई साम्राज्य के शाही शहर के ऊपर प्रकट हुई लेखक का नोट रुई लिन सेना कभी गायब नहीं होगी जब तक सैनिक की भावना बनी रहेगी आने वाले दिनों में उनका उत्तराधिकारी कोई होगा जो उनकी इच्छा को आगे बढ़ाएगा कवच पहने एक साफ और स्पष्ट चेहरे वाला युवक और एक अत्यंत सुंदर आदमी हवा में एक साथ खड़े थे हर तरफ फैले खून के बीच सबकी निगाहें दो लोगों पर टिकी थी पलक झपकते ही तीनों देशों की सहयोगी सेनाओं के वे सभी लोग जो इंपीरियल सिटी में घुसने वाले थे तूफान में समा गए इंपीरियल सिटी के ठीक सामने का विस्तृत क्षेत्र पूरी तरह से साफ हो गया और खून बारिश की तरह गिरने लगा जमीन के मांस के छींटे तीनों देशों की सेनाओं के सैनिकों के चेहरों पर गिरे जिससे तुरंत वहां मौजूद सभी लोग सत्ते में आ गए उनकी आंखों के ठीक सामने खूनी दृश्य से सदमा वे लोग कौन है कोंडोर देश के कमांडर इन चीफ जो पीछे से कमान संभाल रहे थे ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी करके उन दो लोगों को अविश्वसनीय अविश्वास से देखा जो अचानक मध्य हवा में प्रकट हुए थे इम्पीरियल सिटी के भीतर जो सैनिक निराशा में डूब गए थे उन्होंने अब अपना सिर उठाया उसी तरह ऊपर हवा में खड़े दो लोगों को घूर रहे थे उनके चेहरे उत्साह से जमे हुए थे लेकिन रुई लिन सेना के रैंकों के भीतर कई लोगों ने एक बेहद परिचित व्यक्ति को देखा वह आकृति उनकी याद से थोड़ी अधिक लंबी थी और चेहरा भी शुरुआत से अलग था लेकिन उन रुई लिन सेना के सैनिकों के लिए जो पहले उस समय बैटल स्पिरिट्स में गए थे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि वह खूबसूरत और आकर्षक दिखने वाला युवक वास्तव में कौन था यंग लॉन्ग क्यूई की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने जून भू याओ के बगल में खड़े युवक को देखा अदिति का चेहरा था अदिति वापस आ गई उनकी यंग मिस आ गई थी क्यूई के ठीक बगल में खड़ा था और लॉन्ग क्यूई की अनैच्छिक नरम फुसफुसाहट एक भी शब्द गवाए बिना उसके कानों तक पहुंच गई जिससे उसका दिल उछल गया लॉन्ग क्यूई आपने क्या कहा था कि वह कौन था जून किंग की आवाज पहले से ही कांप रही थी लॉन्ग क्यूई इस सवाल से चौंककर वापस होश में आ गया और बोला यह यंग मिस यंग मिस है वूशी जून किंग फुसफुसाए जब उसने उस छोटी सी आकृति को देखा उसका दिल तेजी से धड़क रहा था शुरुआत में जब लॉन्ग क्यू उन्हें यह खबर दी कि अदिति घर आने में असमर्थ है हालांकि पिता और पुत्र की जोड़ी इस अलगाव से आश्चर्यचकित और बहुत दुखी थी लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा खोज भी नहीं की क्योंकि उनका मानना था कि अदिति जानती थी कि वह क्या कर रही है वह शायद अभी भी जवान थी लेकिन वह अपनी उम्र के अन्य युवाओं की तरह उतावले और आवेगी नहीं थी इसलिए अगर उसे लगता था कि ऐसा करना जरूरी है तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन उनके दिलों में जो चाहत थी वह एक बार भी नहीं रुकी थी अदिति के बगल में जून वो याओं को पहचानने में सक्षम था और लॉन्ग क्यूई के शब्दों से उसे यह विश्वास हो गया कि वह खूबसूरत आकृति निश्चित रूप से अदिति ही थी जब क्यूई साम्राज्य संकट का सामना कर रहा था जून किंग ने एक बार सोचा था कि शायद वह और उसके पिता इस जीवन में अदिति को दोबारा नहीं देख पाएंगे अफसोस के अलावा उन्हें कुछ सांत्वना भी महसूस हुई थी कि अदिति इस विपत्ति का सामना करने के लिए मौजूद नहीं थी जून परिवार के लोग युद्ध के मैदान में खून बहाने से कभी नहीं डरते थे लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद थी कि अदिति आज़ादी से जी सकेगी हालांकि जब जून किंग ने अदिति को वापस आते देखा तो उसके दिल में उमड़ती भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सका जून किंग ने लगभग तुरंत अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और समान रूप से स्तब्ध जून जियान को देखा जून जियान को नहीं पता था कि वह छोटी सी लड़की वास्तव में अदिति थी उसका रूप बदल गया था लेकिन उसने जून वो याओ को पहचान लिया था लेकिन उसकी थोड़ी सी बिगड़ी हुई याददाश्त ने उसे उस बेदाग खूबसूरत आदमी के बारे में महसूस नहीं कराया जो केवल नाम के लिए उसका पोता बन गया था अदिति के लिए उसके मन में रत्ती भर भी प्रेम नहीं था पिता जून किंग चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं सका जून जियान ने जून क्विंग की ओर रुख किया जून किंग ने बिना कोई आवाज़ किए अपने होन्द हिलाए चुपचाप जियान को शब्द सुनाए वह वो शी है वह उनके लिन पैलेस की अदिति है जून जियान तुरंत सदमे में हांफने लगा जब वह युद्ध के मैदान में लाखों सिंहों के सामने खड़ा हुआ था तब उसके हाथ ज़रा भी नहीं काम पे थे लेकिन उस पल जिस हाथ से उसने अपनी तलवार पकड़ी थी वह हाथ अचानक अनियंत्रित रूप से हिल रहा था